हेलो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एविडेंस एक्ट का एक जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 45 टू सेक्शन नंबर 51 एक्सपर्ट्स के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग कवर करूंगा। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जुडिशियल एग्जाम्स में इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब हम बात करेंगे कि जो सेक्शन नंबर 45 से लेके 51 है इनमें आपको किस किस सेक्शन में कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स मार्क करने हैं ताकि आप अटेम्प्ट कर पाए इन चीजों को एग्जामिनेशन में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 45 जो कि बात करता है रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको चार जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, इसको आप मार्क कीजिए। जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज साइंस, आर्ट। अब डायरेक्टली इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट कवर्ड है आपको सेक्शन में पता होना चाहिए, हैंड राइटिंग, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके रिगार्डिंग एक तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या टर्म्स कवर्ड है। द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट, द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड। तो दोस्तों यहां पर जो ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया स्पेशली स्किल्ड, अब जब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रीड करते हैं वहां पे इस चीज को डिफाइन किया गया कि स्पेशली स्किल्ड का मतलब क्या है, दैट कुड बी सम क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द स्किल एंड एक्सपीरियंस, किसी इंसान के पास बहुत एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग। तो अगर उसको एक्सपीरियंस है किसी भी चीज को पहचानने का देन हिज टेस्टिमनी एज अ विटनेस, एज अ विच विटनेस, एज अ एक्सपर्ट विटनेस विल बी एडमिसिबल। मतलब अगर उसको एज पर हिज क्वालिफिकेशन या उसका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस केस में अगर उसका पूरा स्किल उसको जस्टिफाई करता है कि उसको उस चीजों के बारे में नॉलेज है, देन उसकी जो टेस्टिमनी होगी एज अ विटनेस, एज अ एक्सपर्ट विटनेस, इट विल बी एडमिसिबल। ये किस सेक्शन में कवर्ड है, सेक्शन नंबर 45, ठीक है। अब दोस्तों जो सेक्शन नंबर 46 है फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, इसमें आपको एक तो जो नंबर है वो याद रखना है, दूसरा यहां पे आप एक टर्म नोट कर सकते हैं, वो टर्म क्या है, रेस इंटर एलिए एक्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 46 की, फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे दो चीजों की बात की कि चाहे वो फैक्ट अगर इररेलेवेंट है, जो वर्ड यूज किया गया एग्जैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, पर वो रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो सपोर्ट करता है किसी चीज को या फिर इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों आपको ना ये जो लैंग्वेज है सेक्शन की उसका ध्यान रखना है, बिकॉज एट टाइम्स आपको सेक्शन की लैंग्वेज दी होगी दैट दिस पार्ट इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन 45, 46, 47, 48। सेक्शन की लैंग्वेज का ध्यान रखना है और जैसे ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है 46, लैंग्वेज क्या है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। क्या इसको आप लिंक कर सकते हैं किसी और सेक्शन के साथ कि ये लैंग्वेज कहां पे कवर्ड है, दैट इज सेक्शन नंबर 11, वो भी इस हिसाब से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो
दिस शुड बी द वे कि आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या चीज गिवन है, ठीक है। और दोस्तों जो ये सेक्शन है हमने यहाँ पे कवर करने हैं 45 से लेके 51 तक, इनकी इलस्ट्रेशन भी अच्छे से गो थ्रू करनी है। इलस्ट्रेशन में से डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जाती है एग्जामिनेशन में, आपको मालूम होना चाहिए कहां पे क्या चीज कवर्ड है। अब चाहे आप सेक्शन नंबर जैसे 45 है, ठीक है, 45 कैपिटल ए है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो हेडिंग है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डायरेक्टली सेक्शन नंबर पुट किया जाता है, तो यहां पर आप सेक्शन नंबर भी मार्क कर सकते हैं 45 कैपिटल ए, ठीक है। तो दोस्तों 45 कैपिटल ए के बाद एक इलस्ट्रेशन कवर करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात कर रहे थे 45 कैपिटल ए के बाद की इलस्ट्रेशन की। द क्वेश्चन इज वेदर डेथ ऑफ ए वॉज कॉज बाय पॉइजन, के जो ए की जो डेथ हुई है कि वो पॉइजन से हुई है या कैसे हुई है, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशन है डेथ ऑफ ए कॉज बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, मतलब जो हम 45 कैपिटल ए की बात कर रहे थे, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यहां पे क्या है, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉइजन बाय विच ए सपोज टू हैव डाइड आर रेलेवेंट। तो मतलब यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये एक तरह की क्वेश्चन फॉर्मेशन है, मतलब आपको डायरेक्टली यहां पे स्टेटमेंट दी होगी, जैसे पॉइंट नंबर ए है, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वॉज कॉज बाय पॉइजन, तो आपको जो एंड लाइन है Have died are relevant, आपको ऑप्शन दी होंगी relevant, not relevant, तो आपको अगर illustration आपने रीड की होंगी आइडिया होगा कहां पे क्या चीज गिवन है, कहां पे क्या चीज relevant है, आपको illustration अच्छे से गो थ्रू करनी है। Then 47 opinion as to handwriting when relevant, दोस्तों यहां पे 47 में जो acquainted है एक टर्म यूज किया गया, एक्वेंटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, ठीक है। एक बार 47 के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग वेन रेलिवेंट। पहली बार कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेक्शन है किस चीज की बात करता है, ठीक है। आपको सीरीज वाइज 45, 46, 47 यहां पे हमने बात की एक्सपर्ट्स के रिगार्डिंग, फाइन। दूसरे में हम बात करी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द हैंडराइटिंग पार्ट 47 के अंडर, ठीक है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वॉज रिटन और साइंड, तो दोस्तों जो ये मैं आप यहां पे जो वर्ड यूज कर रहा हूं ये आप साथ के साथ बेरेट पे मार्क कर लीजिए, या अपने नोट्स के अंदर आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं, आपको इजी रहेगा चीजों को याद रखने में। एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज सपोज टू बी रिटन और साइंड, दैट इट वॉज और वॉज नॉट रिटन और साइंड बाय दैट पर्सन इज अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। मतलब यहां पे क्या है कि कोई भी ऐसा पर्सन, अगर कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फॉर्म करनी है एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वॉज रिटन और साइंड, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, मतलब कोई भी ऐसे पर्सन, ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन जो कि उस हैंडराइटिंग के साथ एक्वेंटेड हो, कोर्ट को जानना है कि क्या कोई एक डॉक्यूमेंट ए ने लिखा या साइन किया, कोर्ट को यह जानना है क्या वो ए ने लिखा या ए ने साइन किया। अब कोई भी ऐसा पर्सन, कोई बी है, सी है या डी है, ठीक है, इन लोगों का ओपिनियन, अगर ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज पोस्ट, मतलब यहां पे किसी भी पर्सन का ओपिनियन अगर वो एक्वेंटेड है, उनको पता है कि ये ए ने लिखा है, तो वो क्या होगा, इट विल बी रेलेवेंट। बट पॉइंट यहां पे ये है कि जो बी पर्सन या सी है या डी है, मालूम कैसे चलेगा कि क्या वो एक्वेंटेड है विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन, मतलब क्या ये एक्वेंटेड है, क्या इनको मालूम है कि वो ए ने लिखा है। अब
कोर्ट इस चीज को कैसे मानेगा? एक्वेंटेड का मतलब क्या होगा? When he has seen that person write, तो वो चीज यहां पे क्या है? Relevant है. Who has seen that person write, or when he has received the documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself, or when he has received the documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under the authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. ठीक है, तो आपको मेन यहां पे जो है रिटन और साइन, ठीक है, और एक्वेंटेड का मीनिंग, इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है ये आपको क्लियर होना चाहिए अंडर सेक्शन जो हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 47. ठीक है, तो यहां पर जो कंपोनेंट्स थे सीन, ऑर्डिनरी कोर्स और हैबिचुअली सबमिटेड. फाइन दोस्तों, इन वीडियोस की सेक्शन बाय सेक्शन मैं वीडियो पोस्ट करूंगा. इस पर्टिकुलर जो पार्ट हम कवर कर रहे हैं, मतलब सेक्शन 45 की सेपरेट वीडियो, 46 की सेपरेट, 47 की सेपरेट, यहां पर मतलब ये है कि आपको ये मालूम हो कि क्या क्या पार्ट आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब बात करते हैं 47 कैपिटल ए, इसका जो हेडिंग है वही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेन रेलिवेंट. ठीक है, तो आप जो सेक्शन आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर आप नोट कर लीजिए. अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपको मैंने टर्म्स बताए कि सेक्शन में कौन से टर्म इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट कर लीजिए यहां पे. ठीक है, तो 47 कैपिटल ए में हमने किया, इसकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेन रेलिवेंट. ठीक है, देन 48, ओपिनियन एज टू एक्सरसाइज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम वेन रेलिवेंट. 48 के अंडर ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम वेन रेलिवेंट, वेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट. ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आपको बहुत ध्यान से ये चीजें मार्क करनी है कि यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया, जनरल कस्टमर राइट. ठीक है, दोनों टर्म्स आपको मार्क करने हैं. द ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टमर राइट ऑफ पर्सन्स हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड आर रेलिवेंट. ठीक है, तो यहां पर कोई भी ऐसा पर्सन कोर्ट उसको बुला सकता है एनी जनरल क्लॉज और राइट के रिगार्डिंग जानने के लिए, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट ऑफ पर्सन्स हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड आर रेलिवेंट. ठीक है, तो मतलब अगर किसी भी पर्सन को कॉल करके किसी जनरल कस्टम या राइट के रिगार्डिंग हम बुलाते हैं, ठीक है, तो अगर वो पर्सन को राइट या कस्टम के बारे में मालूम है तो वो क्या होगा, इट विल बी रेलिवेंट एज पर सेक्शन 48. ठीक है, देन 49, ओपिनियन एज टू यूजेज टेनेट्स वेन रेलिवेंट, वेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू योर यूजेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली. ठीक है, तो ये क्या था, हमने यहां पे जो वर्ड यूज किए जनरल कस्टम, 49 में क्या ध्यान रखना है कि यूजेज और टेनेट्स वर्ड कहां पे यूज हुआ, 49 के अंदर. ठीक है, तो यहां पे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है किस सेक्शन में क्या कवर्ड है. तो दोस्तों ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, कितना पार्ट कवर्ड है सेक्शन के अंडर. ओपिनियन एज टू यूजेज टेनेंट्स व्हेन रेलेवेंट, द यूजेज एंड टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजन और चैरिटेबल फाउंडेशन, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और द पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल, द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रेलेवेंट फैक्ट्स. अब मतलब जैसे स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज क्या हुआ, कोई भी एक्सपर्ट फ्रॉम दैट ग्रुप, ठीक है, उसके पास क्या होगा, स्पेशल मीन्स होंगे नॉलेज के. ठीक है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है. देन जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, दैट इज ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, ये आपको सेक्शन नंबर मार्क करना है. देन 51, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट द ग्राउंड्स ऑन व्हिच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर रेलेवेंट. तो दोस्तों यहां पर जो है आपको मैंने बताया कि एक्सपर्ट्स के रिगार्डिंग जो एविडेंस एक्ट में ये जो सेक्शंस हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें से डायरेक्टली कोई ना कोई टर्म पुट किया जाता है प्रीलिम्स में. ठीक है, दूसरा जो चांस है इस पार्ट में से, इट इज डायरेक्टली हेडिंग्स.
तो आपको बेयर एक्ट में ये पार्ट मार्क करना है, इजिली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। दूसरी बात, ये कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियोस पोस्ट की जा सकती है। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में व्हाट आई डू इज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंगल सिंगल सेक्शन आई विल कवर इन द वीडियोस। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।